एक प्याली यूपी वाली में आज हम आपको बताने वाले हैं। उत्तराखंड के रुड़की और हरिद्वार में कांवड़ियों के हंगामे का वीडियो सामने आया है। उत्तराखंड के रुड़की में एक ई रिक्शा से टक्कर लगने के आरोप लगाकर कांवड़ियों ने बवाल काट दिया। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि टक्कर की वजह से उनके एक साथी की कांवड़ खंडित यानी कि अशुद्ध हो गई। इसके बाद गुस्से में तमतमाए हुए कांवड़ियों ने उस ई रिक्शा को रोक लिया और उस पर टूट पड़े। ये देखिए आप किस तरह से अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं कांवड़िए। हालांकि इस ई रिक्शा का ड्राइवर बवाल बढ़ता देख वहां से भाग गया। दूसरी तरफ हरिद्वार में बहादराबाद टोल प्लाजा के पास कांवड़ियों और ट्रक ड्राइवर के बीच में हुए झगड़े में कांवड़ियों ने ट्रक में तोड़फोड़ की है और ट्रक ड्राइवर की पिटाई की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो खबर आपको बता रहे हैं हम। इस तरह से ई रिक्शा को तोड़ा गया है, ड्राइवर तो बेचारा उसका डर के भाग गया। और हरिद्वार में ये ट्रक है जिसके साथ जिस तरह से तोड़फोड़ कांवड़िए कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें भी वायरल हो रखी हैं। दावा किया जा रहा है कि बहादराबाद टोल प्लाजा के पास जाम लगाने के कारण हरिद्वार की ओर से जा रहे ट्रक कांवड़ से टकरा गया, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर डाली।